राजस्थान में जारी सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ही लगातार कांग्रेस की सरकारें गिरा रही हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की छठवीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राजस्थान के मसले पर पहली बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी विवाद में कांग्रेस के अंदर अजीबोगरीब खेल देखने को मिल रहा है। सीएम गहलोत ने जहां सचिन पायलट और उनके साथ दे रहे 19 विधायकों पर कार्रवाई का मूड बना लिया है, वहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी भी पायलट को मनाने में जुटा हुआ है। गहलोत कार्रवाई करते हुए पायलट को मंत्रिमंडल और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा चुके हैं। इसके अलावा सीएम गहलोत सार्वजनिक रूप से पायलट पर सरकार गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी खुद पायलट को मनाने में जुटी हुई है।